हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो चलिए जी, अभी हमने नाश्ता नहीं बनाया, जा रही नाश्ता बनाने। ऊपर जो है ना, आज जो है हमारे थर्ड फ्लोर पे जो है काम जो है चालू है, तो जो तोड़ की रहा है, तो बच्चे लोग डर के हमारे दूसरे रूम में आके जो है बैठ गए। सुबह से उन लोग उठे हुए हैं। तो चलिए जी, हम बना लेते हैं नाश्ता वगैरह। अभी चाय भी नहीं रखा है, जा कुछ नहीं। हाँ बैठो, जहाँ बैठना है तुम आराम से बैठो ना। तो रख देते हैं, पहले हस्बैंड जी को बना के दे देते हैं, क्योंकि उनको जो है बाहर जाना है। आटा भी थोड़ा वो है, बना के दे देते हैं। अभी क्या करें, मैं दूसरे काम में लग गई थी, इसको रखना बाहर रखना भूल गए थे। जल्दी से रोटी खा लेते हैं, एक तरफ चाय रख देते हैं। अभी दूध बाद में इसकी मलाई नहीं निकाली, बाद में निकाल के दूध भी खिलाना है। तो दोपहर का हमारा खाना बन चुका है, चावल बन गया है और दाल भी बन गई है हमारी। चावल तो गिर गया रही दाल का। ये देखो इसके नीचे रख दिया, इसको इधर रख देते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। दाल चावल तो चलिए हमारा खाना रेडी है। सब्जी भी बना ली हूँ आज, काफ़ी दिन से सोची थी बैंगन की सब्जी खाने के लिए कि ला के रखी थी, हो गया 4-5 दिन हो गया, तो थोड़ा सा ही लाई थी बैंगन का। हमारे घर में बच्चे लोग नहीं खाते हैं, बच्चे मतलब हम लड़कियां खा लेती हैं, बस जेंट्स नहीं खाते हैं। यह है सब्जी, आलू है, बैंगन है, टमाटर है। इन लोग के मारे हमको जो है बैंगन की सब्जी खाने को नहीं होता है। फिर सोचते हैं कि जो है अभी हम लोग मतलब दो लोग के लिए, क्यों 3-4 लोग को जो है फिर मेजोरिटी कम है ना बैंगन खाने वाले की, इसलिए नहीं बनाती हूँ। कलौंजी पसंद है, वो भी मसाला उसके अंदर का जो भरते हैं ना मसाला। तो चलो हमारा खाना बन चुका है, अभी जो है किचन का जो प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करना है। हो गया हमारा लंच रेडी, हमारी बेटी अपना काम कर ली। साफ सुफ करके नमाज पढ़ना है। तो खाना वगैरह बना ली हूँ, चलो अभी जो है बाकी थोड़ा बर्तन निकले हुए हैं। गैस वैस का स्टैंड रहता है, थोड़ा बर्तन वैसे भी रहता है, तो चलो जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। इसके बाद जो है चलो जी, अभी नहा के निकली हूँ, ठंडी लग रही है, तो बाहर खिली खिली धूप निकली है। देख के मन हो रहा है कि काश हमारी यहाँ तक जो है धूप आ जाए। अभी तो सर्दियों का मौसम है तो और ये धूप नहीं आती, पर गर्मी में थोड़ा बहुत आ भी जाती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। चलो अभी खाना खा लेते, आज हमारा क्लासेस का भी टाइम है, तो कम से कम 1 घंटा पहले खाना वाना खा के रेडी हो जाना चाहिए। तो अभी वही जा रही हूँ खाना खाने, भाई खाना निकाल लेते, भूख भी लगी है। आज मनपसंद सब्जी भी है, काफ़ी टाइम के बाद ये सब्ज़ी बनाई हूँ, यानी कि बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी दिन से सोच रहे थे खाने के लिए, अरे हस्बैंड और बेटे हमारे नहीं बनाते। चावल निकाले, थोड़ा ही चावल खाऊंगी, जितना सोचती कि चावल ना खाऊं, मगर अभी जो है ना चावल खाने की आदत पड़ गई मुझे। पहले एकदम ही नहीं खाती थी, एकदम ही रात में सिर्फ रोटी सब्जी खाती हूँ। दिन में एक टाइम खा रही हूँ, नहीं तो मैं ना दोपहर में खाऊं ना रात में खाऊं,
और अभी ऐसी लत लग गई है चावल की कि जो बस ऐसा लगता है कि चावल दाल चावल ही खाऊं। ये बच्चों के मारे ना ज़्यादातर तो बच्चे लोग को दाल चावल ही पसंद रहता है। ये है सब्जी बैंगन की आलू की, तो जिसको भी खाना है आ जाइए भाई, हमारी तरफ से आप को दावत है, एकदम सिंपल सा यम्मी सा खाने की दावत है। तो चलिए जी मैं खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से फटाफट से खाना, मैं धीरे धीरे खाऊँगी पर जल्दी खा के वो हो जाओ रेडी हो जाओ, उसकी जाने की भी तैयारी है जो है क्लासेस जाना है। ये देखिए हमारी रात होने वाली है, मगरिब का टाइम गुजर चुका है, मैं नमाज़ पढ़ ली हूँ, क्लासेस गई थी वहाँ से आके फिर नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है पारा भी पढ़ा है। पारा पढ़ने से पहले मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए, तो हमारी चाय रेडी हो चुकी है, तो चलो जी चाय छान लेते हैं। और क्लासेस गए थे तो अंडा हमारी बेटी ने उबाल के रखा है, वो खा ली है, पर मेरे लिए मैं नमाज़ पारा पढ़ रही थी इसलिए मेरा भी ऐसे ही रखा हुआ है। चाय भी मेरी बन चुकी है, ये देखो चाय हमारी रेडी है, ये अंडा भी हमारा गर्म पानी में भी ऐसे ही रखा हुआ है कि जिसे हमारा ऐसे ही गर्म गर्मा गर्म बना रहे अंडा। चलो इसको छील लेते हैं और चाय भी छान लेते हैं। तो ये हमारा चाय और अंडा है, और मार्केट गई थी ना तो वहीं से मतलब क्लासेस गई थी तो कुछ सामान था नाश्ते का ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं लेके आती हूँ जिससे कि ख़राब ना हो। ये खा रही है, ये लाई हूँ मैं, थोड़ा ही थोड़ा लाती हूँ, जितना खाना रहता है उतना ही लाती हूँ, इसके बाद जो फिर लेके आती हूँ क्योंकि उधर ही से आना रहता है यार 2 दिन में। तो ये देखिए इतना नमकीन है, ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें लहसुन का फ्लेवर रहता है ना, तो बड़ा मतलब खाने में बहुत टेस्टी भी रहता है और अच्छा भी लगता है, ये खुशबू इसकी जो है खाने में बहुत अच्छा लगता है, लहसुन का फ्लेवर मतलब अच्छा लगता है, जैसे नमकीन वमकीन में अभी ऐसे भी फ्लेवर आने लगे कि खा के दिल खुश हो जाता है। और थोड़ा सब्जी था वो भी लाना था, मिर्ची वगैरह था, ये सब धनिया मिर्ची और क्या था अदरक, अदरक तो क्या भाव मतलब अदरक महंगे हैं आजकल, कुछ चीज़ें हैं जो कि सीजन होते हुए भी अभी महंगे हैं, अदरक 20 रुपये का 100 ग्राम। और ये है मटर, अभी तो सस्ती होनी चाहिए, अभी हो गया 80 रुपये किलो, तो मैं आधा किलो लेके आई हूँ, बस मार्केट गई थी ऐसे वहाँ से लेते हुए आ गई, बस दिखा दे रही। और भिंडी है 15 रुपये पाव, तो 3 पाव ली हूँ मैं। मतलब सब्जियाँ मतलब जिस हिसाब से ठंडी का सीज़न है सब्जियाँ सस्ती रहती हैं ठंडी में, तो उतना नहीं है फिर भी चलो ठीक है। तो ये सब मतलब गई थी क्लासेस तो वहाँ से लेते हुए आई, और नाश्ते का सामान थोड़ा सा जो खाना रहता है वही लेके आते, उतना कि 1-2 दिन चले इसके बाद फिर नया फिर लेके आ जाए। तो अभी मैं इसके साथ चाय के साथ में जो है इसको भी खाऊंगी, इसको भी खाऊंगी, मैं सब खाऊंगी। और जब भी मैं एंड करने जाती तो मंदिर का जो है वो होने लगता है, चलो तो कोई बात नहीं होगी, गॉड को ही याद कर रहे हैं। तो चलो जिसको गर्मा गर्म चाय पीनी है, अंडा खाना है, नमकीन खाना है, तो आ जाइए, मैं तो हमेशा आप लोग को इनवाइट करती हूँ। तो चलो जी इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ हाँ हमारे जो है जो भी हमारे चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।